नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आप गूगल पे का यूज करते हैं तो गूगल पे में आप लोग इस तरह का जरूर देखे होंगे, ओके HDFC बैंक, ओके ICICI, ओके SBI। आप इस बैंक के UPI ID को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप इस बैंक का UPI ID को बना सकते हैं। तो हम किस तरीका से इस बैंक के UPI ID को एक्टिवेट करेंगे, इसके अलावा इस बैंक के UPI ID को एक्टिवेट करने से क्या बेनिफिट होगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए। दोस्तों, आप गूगल पे ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का आइकॉन है, आप प्रोफाइल के आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट को आपने गूगल पे ऐप में लिंक करके रखा है यहाँ पर वह शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने एक ही बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा है तो यहाँ पर वह शो कर रहा है, आप बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैनेज UPI ID, आप मैनेज UPI ID पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर गूगल पे ऐप में पहले से जो UPI ID बना हुआ है यहाँ पर वह शो करता है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है ओके एक्सिस, यानी कि यह एक्सिस बैंक का UPI ID है। आपका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है या फिर नहीं है इससे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है ओके HDFC बैंक, ओके ICICI, ओके SBI। तो आप यहाँ पर HDFC बैंक का, ICICI बैंक का या फिर SBI बैंक का UPI ID बना सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में या फिर ICICI बैंक में या फिर SBI बैंक में है या फिर नहीं है उससे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हमें HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, SBI बैंक का UPI ID बनाने से हमें क्या फायदा होगा। आप यहाँ पर सभी बैंकों का UPI ID बना लेते हैं तो आप कोई भी UPI ID को शेयर करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे ऐप के माध्यम से किसी को भी पेमेंट करते हैं या पैसा ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपका यहाँ पर कोई भी UPI ID के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि काफी बार ऐसा होता है कि आप गूगल पे ऐप के माध्यम से किसी को भी पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन जिसको भी आपने पेमेंट किया है उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आप यहां पर सभी बैंकों का UPI ID को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए आप गूगल पे ऐप के माध्यम से किसी को पेमेंट करते हैं और यहां पर एक्सिस बैंक का UPI काम नहीं करता है तो HDFC बैंक का UPI के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा, या फिर HDFC बैंक का UPI वर्क नहीं करता है तो ICICI बैंक के UPI ID से पेमेंट हो जाएगा, या फिर SBI बैंक के UPI ID से पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर HDFC बैंक का UPI ID को एक्टिवेट करने के लिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। यह देखिए वेरीफाई हो चुका है, अब यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पर देखिए HDFC बैंक का UPI ID बन चुका है। इसके बाद हम ICICI बैंक का UPI ID बनाने के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और यहाँ पर देखिए ICICI बैंक का UPI ID बन चुका है। इसके बाद हम SBI बैंक का UPI ID बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और यह देखिए बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं चार बैंकों का UPI ID बन चुका है। पहला तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का, दूसरा HDFC, तीसरा यहाँ पर ICICI और चौथा यहाँ पर SBI। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी आप चाहते हैं इस UPI ID को डिलीट करने के लिए तो यहाँ पर डिलीट का आइकॉन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब दोस्तों, कभी भी आप अपना UPI ID देखने के लिए आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमने जो UPI ID बनाया है यहाँ पर वह शो कर रहा है, तो आप इस UPI ID को शेयर करके किसी से भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। तो किस तरीका से आप UPI ID के माध्यम से पेमेंट करेंगे या फिर जो भी व्यक्ति को आपने यहाँ पर UPI ID शेयर किया है वह किस तरीका से पेमेंट करेगा, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, हमने दूसरे मोबाइल में गूगल पे ऐप को ओपन कर लिया है। इसके बाद न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर UPI ID और QR लिखा है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर UPI ID पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों, जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं आप उसका
गूगल पे ऐप का UPI ID फिलअप कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने गूगल पे ऐप का SBI का UPI ID फिलअप किया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाम आ चुका है जिसको भी हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, पहला यहाँ पर पे, दूसरा यहाँ पर रिक्वेस्ट। आप पे पर क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और रिक्वेस्ट पर क्लिक करके पैसा के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम पे पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करेंगे, तो हमने यहाँ पर 10 टाइप कर लिया है। इसके बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एड ए नोट में कुछ लिख भी सकते हैं कि आप पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से पे पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम UPI पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं। अब यह पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यह देखिए पेमेंट हो चुका है, ये देखिए पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग यहाँ पर HDFC बैंक का, ICICI बैंक का और SBI बैंक का UPI ID बना सकते हैं और UPI के माध्यम से पैसा रिसीव कर सकते हैं या फिर पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।